इस वक्त हम बसना विधानसभा के ग्राम बिछिया में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम बिछिया के विगत दो कार्यकाल के सरपंच रीना रानी गढ़तिया, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि विगत दो कार्यकाल में उन्होंने गांव के लिए क्या कुछ कितना विकास किया है और गांव को किस तरह आगे की ओर ले जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सरपंच हूँ मैं, मेरा नाम है रीना रानी गढ़तिया। मैं ये मेरा दूसरा कार्यकाल है, 2015 से लेकर आज 2023 तक मैं सरपंच हूँ और मेरे पंचायत में जितने भी कार्य हो चुका है मैं उसको बताऊँगी। पहले तो मेरे गांव में नल जल योजना का काम किया है, मैं 2017 में पूरा हो गया था वो काम। और अभी गांव में मेरे दो तीन आश्रित गांव हैं मेरे पंचायत में, जहां आंगनबाड़ी भवन भी कंप्लीट हो चुका है, स्कूल का मरम्मत भी हो गया है और जितने भी सीसी रोड है सब कंप्लीट हो गया है मेरे गांव मेरे पंचायत में। और उप स्वास्थ्य केंद्र भी मेरे पंचायत में कंप्लीट हो चुका है, एक स्कूल में पानी टंकी भी वो भी कंप्लीट हो चुका है और स्कूल में स्कूल अहाता भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। आगे और आपके गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की समस्या है, जब हम पिछली बार आए थे तो देख पाए थे कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं था, अब वो बन चुका है, तो अभी वर्तमान में आपके गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप आगे पूरा करना चाहती हैं? ऐसा तो जो भी होगा फिर दो तीन साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे तो सब काम हो रहा है, जितना भी काम अपूर्ण है वो भी कर देंगे। ऐसी ग्रामीणों की और क्या मांग है जो ग्राम चाहिए पंचायत स्तर में? अभी हमारे पंचायत में ऐसे तो कोई मांग नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी हम जितना हो पाएगा हमसे फिर भी वो पूरा कर देंगे। अच्छा, आप दो कार्यकाल में सरपंच रही हैं, इसके पहले का कार्यकाल भाजपा शासन का रहा था और अभी वर्तमान में कांग्रेस का शासनकाल है, तो आपको क्या लगता है किसके कार्यकाल में तेजी से विकास कार्य होता लग रहा है आपको? हम तो ये बताएंगे भैया कि पहले क्या था क्या कर रहे थे वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकाल में जितना भी काम हो रहा है बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। अच्छा, मतलब कि अगर सरपंच की इच्छा शक्ति हो तो गांव में विकास हो सकता है? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ क्षेत्र के जनपद सदस्य राजेश गढ़तिया जी मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि वो अपने कार्यकाल में क्षेत्र के लिए क्या कुछ कितना विकास किए हैं। जी, मेरा नाम राजेश गढ़तिया है, मैं जनपद क्षेत्र क्रमांक 23 मेदिनीपुर से जनपद सदस्य हूँ। विगत दो कार्यकाल से मैं जनपद सदस्य हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो 2011 से जीर्ण पड़ा था, से बार बार सरकार को ध्यान आकर्षित किया गया, समाचार पत्र के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और फिर अभी विगत एक साल से ये बन रहा है और दो चार दिन के अंदर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, जिससे हमारे 5000 जनसंख्या वाला इस क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा मुफ्त इलाज आरंभ किया जाएगा। और मेरे क्षेत्र में जो मोदी जी का जल जीवन मिशन 2024 तक पूरा होने वाला है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में हमारे धर्मपत्नी श्रीमती रीना रानी गढ़तिया जो इस पंचायत के सरपंच हैं, जल जीवन मिशन 2024 में जो टारगेट था वो 2017 में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के 14वां वित्त से पूरा कर लिया गया था और हर घर में नल जल की योजना 2017 से यहाँ हमेशा हर घर में पानी पहुँचता है, मुफ्त पानी पहुँचता है। और मेरे जनपद क्षेत्र में सीसी रोड लगभग 80% हो चुका है, आंगनवाड़ी स्कूल जितने भी हैं और WBM रोड और सीसी रोड और जितने भी पेय सुविधा के लिए नल जल की सुविधा पूरा हो चुका है। जी, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन हमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी आधुनिक भवन नज़र आता है, ये क्या कुछ कितने की लागत से बना है और कौन से मत से ये बनाया जा रहा है? ये सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बना है और ये प्रकाश जैन ठेकेदार के माध्यम से बनाया जा रहा था, लेकिन इसमें अच्छी क्वालिटी के साथ बनाएंगे बोल के ये ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें अच्छी मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, वाटर प्रूफ सीमेंट, वाटर प्रूफ पुट्टी, वाटर प्रूफ पेंट और डबल चार्ज का, डिजिटल चार्ज का अच्छा अच्छा प्रकार से इसमें मटेरियल का उपयोग किया जाए, जिसमें बिल्डिंग हमारा लॉन्ग लास्टिंग करे। अच्छा, कितने लंबे अरसे समय की मांग रही थी आपकी ये उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर और क्या क्या समस्याएं होती थी अगर यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था तो?
सर इसमें डिलीवरी सुविधा के लिए बसना जाना पड़ता था और बरौली जाना पड़ता था। अब उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जितने भी सुविधा हमारे 5 ग्राम पंचायत को होता था वो सुविधा हमको नहीं मिल पा रही थी। तो क्या लगता है आपको आगे चल के ये उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में सबसे अच्छा, मेरे को तो लगता है मॉडर्न जैसे बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए सर अब हमारे जितने भी स्कूल है, आपको टाणापारा स्कूल इतना मॉडलिंग किया गया है कि इसी प्रकार से हमारे अभी कार्य मिडिल स्कूल ग्राम बिछिया में उसी तर्ज पर बन रहा है, उसी तर्ज पर हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा और छत्तीसगढ़ में सबसे मॉडल उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बहुत ही जल्द से जल्द इसमें ये पहचान में आएगा। अच्छा, तो आप लगातार 2 कार्यकाल से क्षेत्र में जनपद सदस्य रहे हैं, आप भाजपा के कार्यकाल को भी देख चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस कार्यकाल का दौर चल रहा है, तो क्या लगता है आपको किसके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हो रहा है क्षेत्र में? मेरे को लग रहा है कि उस कार्यकाल में विकास हो रहा था, इस कार्यकाल में विकास हो रहा है। असमानता नहीं देखते हैं कि जैसे कि पहले किसानों को? नहीं, अभी किसानों खुशहाल हैं क्योंकि उनको बराबर बोनस मिल रहा है, उनका कर्जा छूट हो गया और हर प्रकार की किसानों को फैसिलिटी दिया जा रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा गोठान से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो हमारे गोबर से जो खेती और रासायनिक खातों से पूरा हमारा खेत बंजर हो रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री आया और कम से कम एक योजना चलाया, वो सक्सेस होगा, अब सब चाहेंगे, सब उसका साथ देंगे। तो अच्छा, गोठान की क्या स्थिति है आपके गांव में, कितनी गोबर खरीदी हो जाती है और क्या क्या मतलब खाद की बिक्री हो जाती है, कितना लाभ मिलता है उससे ग्रामीणों को? ग्रामीणों को अब 2 रुपये किलो से अभी खाद किसानों को अभी खरीदी किया जा रहा है और हर हफ्ता कम से कम 20 क्विंटल खरीदी हो रहा है गोबर। अभी आवास की स्थिति क्या है, क्या गरीबों का आवास मिल रही है? आवास तो पहले नहीं मिल रही थी लेकिन अभी आवास मिलना चालू हो गया है हमारे पंचायत में और जनपद क्षेत्र में सभी पंचायतों में 15 से 20 अभी आवास मिला है हर पंचायत को। आपके जनपद क्षेत्र के बारे में कौन कौन सा ग्राम पंचायत आते हैं? हमारे जनपद पंचायत में सरायपाली पंचायत, मेदिनीपुर पंचायत, बिछियापू पंचायत और कुड़ेकल पंचायत। लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान सरकार से वो के कार्यकाल से वो कितने खुश हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू है जी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं या फिर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? कांग्रेस के कार्यकाल में किसान वर्ग के लोग खुश रहेंगे ही और खुश आगे भी खुश रखेंगे सर। अच्छा, क्या कुछ कर रही है किसानों के लिए कांग्रेस? किसानों के लिए बोनस की सुविधा और कर्ज माफी किया और धान 20 क्विंटल खरीदी करेगा अभी, ये सब सुविधाएं बीजेपी शासन में नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी अगर अपने घोषणा पत्र में धान का बोनस 3,000 रुपये देने तक की बात करती है? एक बार ठग चुकी है, दूसरी बार ठग में नहीं आएंगे। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हो रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में? बहुत अच्छा है। सड़कों का हाल कैसा है? सड़कों का हाल ठीक ठाक है। आपके गांव की कोई समस्या हो तो बताएं। हमारे गांव के सारे बच्चे बसना पढ़ने जाते हैं। अब मैं ग्राम मुड़पहाड़ से हूँ, मेरे गांव के बच्चे बसना पढ़ने जाते हैं और बसना जाने में उनको बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है अभी। पुलिया नहीं है। अरेकेल और कुड़ेकेल के बीच में नाला का पुल बना था, उस नाला का पुल टूट चुका है, उसमें बहुत तकलीफ हो रही है हम सभी वर्ग के लोगों को। उस नाले के बारे में मुझे भी जानकारी है, वो शायद विगत 3-4 साल से इसी स्थिति में है। इस वर्ष ज़्यादा टूट चुका है। अच्छा, तो क्या आप उस जीर्ण अवस्था में उस पुल को कोई मांग, इस तरह की मांग की है जिससे शासन प्रशासन के ध्यान में और वो बनाए? कई बार मांग कर चुके हैं और आज तक के पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान विधायक से लेके इस विषय में कभी मिले? हाँ बिल्कुल, चर्चा किए थे उनसे जाके। तो उनसे किस तरह का आश्वासन मिला? जल्द ही पूरा हो जाएगा बोले थे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? अगर कांग्रेस उनको दोबारा टिकट देती है तो क्या वो क्षेत्र में कांग्रेस वापस कांग्रेस से चुने जाएंगे? बिल्कुल, बहुत चुने जाएंगे।
ठीक है, जैसे कि हम काफ़ी गांव में जाते हैं तो सोचते हैं, मतलब लोग बताते हैं कि उनका जनसंपर्क दौरा काफ़ी कम रहता है। काफ़ी नहीं, बहुत कम रहता है। बहुत ही कम रहता है जनसंपर्क। तो इस जनसंपर्क जैसा उनका कम है, क्षेत्र के लोगों से मिलनसार बहुत कम हो रहे हैं, तो इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है चुनाव में? पूरा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आइए नहीं सर जी, आपका नाम बताइए। लिंगराज। आप वर्तमान विधायक से नाराज हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या कारण है नाराजगी के बताइए? जब बीजेपी में विधायक थे जी, हर समय बसना में दिखाई देते थे, ये तो कभी नहीं दिखाई देते। रूप कुमारी थी जी, जो भी थे जो बीजेपी से बने हैं जी, सब हमेशा दिखाई देते थे, कार्यक्रमों में दिखाई देते थे हमेशा। राजा साहब जो वर्तमान विधायक, राजा तो राजा है भाई, घर में सोएंगे। तो विगत अभी 5 साल उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है अभी। हाँ ठीक है। ग्राम पंचायत एक आग बराए हैं? नहीं, इस कार्यकाल में नहीं आए, मेरे को तो मालूम नहीं है भाई। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है, क्या फिर से आप उनको कांग्रेस को सत्ता देखना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, मैं मेट था, मेट था मैं जी, 5 हफ्ता काम करवाए हैं जी, अभी तक पैसा नहीं मिला है मजदूरों को जी, और क्या बोलूँगा बताओ। वही भूपेश बघेल सरकार है, और क्या बोलूँगा बताओ। तो मजदूरों के लिए क्या कुछ कर रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार? किसानों के लिए बस जी, बस किसान सब अपने अपने दावा कर रहे हैं जी। बाकी कांग्रेस भी ठीक है, वैसी बात नहीं है जी, लेकिन उनका नेतृत्व ठीक नहीं है अभी। आपका नाम क्या? नाम अयोध्या प्रसाद। क्या लगता है आपको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ सकती है? वो तो नहीं बोल सकता मैं। अच्छा, वर्तमान विधायक कौन है क्षेत्र में, उनका नाम पता? राजा है अभी, ब्रेन बहादुर किया है, देवेन बहादुर। अच्छा, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं, संतुष्ट हैं? मिट्टी काम किए, पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, नाखुश है भाई, गरीब आदमी है जी। तो यहाँ पे हमारे सरपंच जी मौजूद हैं, आप उनसे कभी शिकायत किए हैं कि? डेली करते हैं। तो क्या उनका क्या बोलना रहता है? किसी पंचायत में नहीं मिला है बोलते हैं। कितना दिन हो गए आपको जो भुगतान नहीं हुआ है हमारे का? हो गया, 2 महीना हो गया। हाँ, 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना। हाँ। अच्छा, तो हम सीधा जनपद सदस्य से जानेंगे कि क्या वजह है, भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है मनरेगा का? मनरेगा का अभी से हमारे छत्तीसगढ़ में 11,000-11,500 पंचायत हैं, किसी भी पंचायत में अभी मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या इसके पीछे इसके पीछे का रीजन है कि केंद्र सरकार से अभी बोलते हैं कि बजट नहीं मिला है, जो इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी बजट नहीं है उसका। और वास्तविक में हमारे 2 महीना से लेबर लोगों का पेमेंट नरेगा से नहीं हुआ है, और 5 हफ्ता का भी ग्राम बिछिया के जो काम हुआ है उनका, मजदूरों का काम बकाया है। तो क्या मतलब क्या लगता है आपको, जल्दी से जल्दी पूरा मिल जाएगा या फिर? जितने भी अभी कर्मचारी, तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या जितने भी हर 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई विभाग हड़ताल में है। अभी नरेगा का भी जितने भी कर्मचारी हड़ताल में, कहा नहीं जा सकता कब तक पेमेंट आएगा बोल के। विधानसभा चुनाव है, भाजपा से कोई प्रत्याशी जो संपर्क कर रहे हैं, जो विधायक बनने की इच्छा रहते हैं, कोई नाम है? अब तो बैठा में तो नहीं था मैं जी, एक बार तो यहाँ आए थे। कौन आए थे? ये जो क्या डॉक्टर है कि अग्रवाल। हाँ, बीजेपी की तरफ से आए थे, यहाँ बैठक लिए थे। हम लोग तो नहीं थे, गुजरे लोग थे। अच्छा जी। हाँ, इधर क्या माहौल चल रहा है भाजपा संपत अग्रवाल का क्या चल रहा है? संपत अग्रवाल का माहौल तो अच्छा चल रहा है अभी। तो मतलब अगर संपत अग्रवाल को बीजेपी से टिकट मिलती है तो क्या वो जीत दिला सकते हैं? जीत जाएगा वो, या किसी और को मौका मिलना चाहिए बीजेपी से? एनके अग्रवाल है, जैसे रूप कुमारी चौधरी है, अग्रवाल बसना विधानसभा से, बसना विधानसभा से अपने बसना क्षेत्र के ही प्रत्याशी होंगे तो मिल सकता है उनको जी। भाजपा में ऐसे कौन कौन से दावेदार दिखते हैं आपको? भाजपा में दावेदार श्री एन के अग्रवाल जी हैं जी, संपत अग्रवाल जी जी, जगदीश प्रधान जी जी, और बोलने से एक ये क्या बोलते सकीर्तन साहू जी, इन लोगों का दावेदारी चल रहा है अभी। अच्छा जी,
अच्छा, आपने पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी जी का नाम नहीं लिया, क्या उनके कार्यकाल में विकास नहीं हो रहा था? मैं किसी रिपीट नहीं चाहता। अच्छा, मतलब आप नया चेहरा देखना? नया चेहरा देखना चाहता। इनका माहौल चल रहा है, कौन कौन संपर्क कर रहे हैं ग्रामीण? संपत जी संपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है उनका, संपत जी का? इसके एक तरफा माहौल है, जन संपर्क में हमेशा हम वही है। अच्छा, शामिल रहता है। हाँ, तो मतलब अगर बीजेपी से टिकट मिलती है तो जीत दिला सकते हैं? आराम से हो सकता है। पिछला उनका 50,000 से ऊपर था जी। अभी 50 से ऊपर जाएगा। अच्छा जी, अब अगर बीजेपी से मिलेगा तो जी, और निर्दलीय होगा तो नहीं जाएगा। संपत अग्रवाल जी कैसे पसंद करते हैं उनको, कैसे क्या क्षेत्र के, क्या क्या? समाज सेवी है, वही है, समाज सेवी है। जी, आपका क्या नाम भैया? संपत अग्रवाल, देवेश यादव। देवेश यादव, आप कहाँ के हैं? आप यहीं के हूँ, बिछिया का। जी जी, आप मतदाता हैं? हाँ। विजय सर वोट किए थे क्या? विजय सर, हाँ। अच्छा, तो आप कौन सा विधायक देखना चाहते हैं, कांग्रेस का कि विधायक का? अभी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी वर्तमान में, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, उतना आइडिया नहीं है जी। बसना विधानसभा के लिए किस तरह का नेता आप चुनना चाहते हैं? बीजेपी का जी, संपत अग्रवाल। और काफी सारे चेहरे हैं पुरानी, जैसे रूप कुमारी विधायक थी, नहीं उनका कार्यकाल में क्या विकास कम? नहीं नहीं, वो ये संपत अग्रवाल जी ठीक है। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम ठाकुर राम बड़े। कहाँ से हैं आप? बिछिया। अच्छा, तो अभी विधानसभा चुनाव में क्या क्या देख रहे हैं आप इधर, कौन कौन से नेता लोग संपर्क कर रहे हैं, किनका चल रहा है इधर? अभी तो चल रहा है संपत अग्रवाल का जी, लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, जो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हमारा कर्जा छूट गया है, बोनस देता है, धान कुंटल बिल ज़्यादा लेता है, चावल बिल दे रहा है, सब दे रहा है जी जी। तो कांग्रेस के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी? आएगी। बसना विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी, यहाँ कांग्रेस लाएगी या बीजेपी? कांग्रेस लाएगी। कांग्रेस लाएगी। विधायक के वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं? गांव के काफी ग्रामीण कह रहे थे कि अक्सर उनका आना जाना नहीं रहता है, जनसंपर्क नहीं करते हैं। जनसंपर्क नहीं करने से थोड़ा सा नाखुश रहते हैं, तो पर भी अगला चुनाव में जैसे दोनों पार्टी का बहुत नहीं चल रहा था क्या जी, टक्कर तो टक्कर तो पर भी तो राजा साहब जीत गए नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी बीजेपी में दो गुट हो गया था संपत अग्रवाल जी की वजह से। अभी भी होगा, अभी भी होगा। अगर टिकट नहीं मिलते हाँ तो आपको क्या लगता है बीजेपी को मौका मिलेगा, नहीं संपत अग्रवाल को मौका मिलेगा बीजेपी की तरफ से? मिलना तो चाहिए, उतना आसानी है। हाँ, अगले मैं निर्दलीय में था, छह वर्ष से टिकट नहीं मांग किया हूँ, करूँगा करके पार्टी में शामिल किए हैं, तो उनको टिकट मांग नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी अगर टिकट देती है तो वो है पार्टी की है, तब मतलब समर्थन रहेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उतना संतुष्टजनक नहीं जाएंगे।